डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एजुकेशन पा रहे हैं, तो हमारी तरफ से जिला इंतजामिया की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसी ही परफॉर्मेंस आप कंटिन्यू करते रहे, इससे न सिर्फ आपका अपना जाती तौर पर फायदा होगा बल्कि सोसाइटी का एंड हमारे जिले का काफी फायदा होगा। ये माई टाउन माई प्राइड जो इनिशिएटिव जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं पिछले कई दिन से, एंड कल भी काफी लोगों से मुलाकात की हमारे विजिटिंग ऑफिसर पाली सर ने एंड हमने भी एंड म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा ने। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सबको यहाँ रहने की वजह से हमको एक ओनरशिप लेनी चाहिए अपने टाउन्स में। जैसे आपके टाउन की क्लेंलीनेस है, आपके टाउन का लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एनफोर्समेंट है, बेहतरी है, डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं हमें एज सिटीजन भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें हम सब अपना एक पार्ट अदा कर सकते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करना, कंपोस्टिंग स्टार्ट कराना अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इर्द गिर्द अगर कुछ गलत होता हुआ देखे उसको टाइमली तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्ट करना। तो इस तरह से अपने जहां जहां हम रहते हैं अपनी लोकैलिटी का एक ओनरशिप लेने की जरूरत है, क्योंकि हम जहां रहते हैं जब तक हम ही सोसाइटी बनाते हैं, जब तक हम अपनी सोसाइटी अपने माशरे की बेहतरी नहीं चाहेंगे एंड उसके लिए एक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक सोसाइटी बेहतर नहीं होती है। एंड आप बीइंग यंग गर्ल स्टूडेंट्स आप बहुत एम्पावर्ड हैं कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके टीचर्स इतना इंटरेस्ट लेते हैं, इतनी मेहनत करके इन इस पूरे स्कूल की बिल्डिंग को जैसे हम देखते हैं एक लर्निंग एड बनाया है जो कि बहुत अच्छा है। एंड आप सबको अपनी तरफ से और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर और आसान बना सके। तो जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की तरफ से मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने कितना अच्छे से अपने स्कूल को मेंटेन किया है एंड आप लोग कितनी मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। तो हमारी तरफ से आपको इन फ्यूचर भी यही हिदायत रहेगी, यही एडवाइस रहेगी कि खूब मेहनत करें, नेकी से ईमानदारी के साथ एंड पूरी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आपके इर्द गिर्द जो आपका टाउन है, आपका मोहल्ला है, आपकी लोकैलिटी है, उसमें आप एज इंडिविजुअल्स एंड एज डॉटर्स ऑफ द सोसाइटी कैसे बेहतरी ला सके। आप बहुत बहुत एम्पावर्ड होती हैं बेटियां घर में, किसी का सुने ना सुने बेटियों का तो सुनते हैं घर में, ये तो सबको मानना पड़ेगा है ना, बेटियां सबकी लाडली होती हैं। तो इवन फादर्स किसी की सुने ना सुने बेटियों की सुनते हैं, तो अपने भाइयों को, अपने यंगर सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अच्छी चीजों की हिदायत दिया करें। एंड पढ़ाई के मुतालिक मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट टूल या सबसे पावरफुल टूल जो इंसान का हो सकता है वो एक अच्छी एजुकेशन होती है। ये चीज है जो आपकी अपनी अचीवमेंट है, आपसे आपकी एजुकेशन कोई नहीं छीन सकता है जो आप पढ़ते हैं। इनफैक्ट इल्म ऐसी दौलत है ना, जो एक बार आपके पास आ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे अलग नहीं कर सकती है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान करें, खूब मेहनत करें, ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। एंड हमारी तरफ से जिला इंतजामिया ने जैसे रिसेंटली सिविल सर्विसेज कोचिंग की क्लासेस स्टार्ट की थी यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जितनी गाइडेंस हो पाए, जितनी मदद हो पाए, हम आपको मुहैया करा सके। थैंक यू, बहुत बढ़िया।